डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी अगली सीरीज में इस्तांबुल की सेकंड डे का टूर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको लेके जा रहा हूँ बॉस्पोरस बोट क्रूज, जो कि एवेनोनू से मिलता है। ये वो जगह है जिसका नाम है एवेनोनू, और उसको उधर तक जाता है, ये जगह का नाम है। ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है उसको उधर, और अट्रैक्शन पॉइंट है टूरिस्ट के लिए। इस बोट क्रूज की राइड भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, 10 टर्किश लीरा ईच पर्सन चार्जेस हैं इसका वन वे। इसमें 3 लेवल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अपर डेक, जो कि ओपन है। यहाँ से 360 डिग्री का व्यू बड़ा अच्छा आता है अपर डेक से, साथ में हवा भी बहुत आती है। वेदर ठंडा है तो इसलिए बहुत ठंडी हवा महसूस होती है। ये जर्नी 45 मिनट्स की रहती है। समुद्र का पानी कितना साफ है, और वहाँ के लोगों के अंदर भी ये डिसिप्लिन देखा है कि कोई भी गंदगी या कचरा जो है वो ज़मीन पे नहीं फेंकते। रिवर्स को साफ रखना है तो उसकी पहल खुद से ही करनी होगी। इस्तांबुल इसीलिए टूरिस्ट अट्रैक्शन का मेजर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है। सी है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं,
जो कि इसका इतिहास बड़ा पुराना है। ये शहर जो है इस्तांबुल या ये कंट्री, ये पहले रोमन अम्पायर के अंडर आती थी, तो इसलिए यहाँ पर सारे चर्च जो थे वो बाद में जब इनका राज आया अर्तुगरुल गाजी ने इसको फतेह किया था, तो इसको सारे शहर को जितने चर्च थे सबको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए आज भी ये अंदर से चर्च और मॉस्क दोनों की फील देता है, और ये सबसे डिफरेंट मॉस्क हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का सबसे बड़ा चर्च जो था, जिसे बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया इस्तांबुल के अंदर, जिसका नाम है हाया सोफिया। वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में लेके जाऊंगा। अभी ये हम उसको उधर एरिया देख रहे हैं। ये पॉश एरिया है यहाँ का, कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं। और आज का वेदर यहाँ पर 8 डिग्री टेम्परेचर है। कैफेज हैं, यहाँ लोग कैफेज बहुत एंजॉय करते हैं। हर थोड़ी दूर पर उन्होंने बैठने के लिए इंतज़ाम किए हुए हैं, आप वॉक कीजिए, थक जाए तो बैठ जाइए। देखिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे इन्होंने काफ़ी सारे बेंचेस बना रखे हैं, और ये इस्तांबुल का मेन अट्रैक्शन पॉइंट आ चुका है। यहाँ का पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है, नीचे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है पानी के बीच में एक छोटा आइलैंड, इसको मेडन टावर बोलते हैं। ये यहाँ की एक सिंबॉलिक तुर्की का वो माना जाता है, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए कवर्ड था,
तो आप इसको ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। रेनोवेशन का काम चल रहा था वहाँ, और ऑन माय रिटर्न जर्नी टू एमिनोनो इस्तांबुल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और सबका फेयर एक ही है, चाहे आप बस यूज़ कीजिए, चाहे आप एक स्टॉप, चाहे आप 20 स्टॉप बाद भी आपने जाना हो, लेकिन फेयर फ्लैट फेयर है सबका 10 टर्किश लीरा। इवन मेट्रो हमने एयरपोर्ट की नहीं पकड़ी, तो एक साइड की जो मेट्रो का फेयर है दूसरी मेट्रो से पहले, वो सिर्फ 10 टर्किश लीरा ही है, चाहे आप नेक्स्ट स्टॉप उतर जाओ या आपको आगे लास्ट स्टॉप पे जाना हो, चार्जेस सेम है। गलाटा ब्रिज कहलाता है जो आप देख रहे हैं, सामने गलाटा टावर नज़र आ रहा है। नाइट में डिनर क्रूज भी ऑपरेट होते हैं टूरिस्ट के लिए, और ये जो सामने देख रहे हैं ये गलाटा ब्रिज है, इसके नीचे कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। आज के सफ़र के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कुछ नया दिखाऊंगा।